In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum, my dear students of class 4. How are you all? I am your teacher, Ms. Fatma Zahid, and I welcome you to the 11th lecture of Social Studies. Okay, students, as you know that in the last class, we have started our lesson number 15, which is Animal Rights. It's on page number 106 and 107. As you know that in that class, we have studied about human rights, के ह्यूमन के क्या क्या राइट्स हैं, बेसिक राइट्स के, एजुकेशन हो, फूड हो, शेल्टर हो, एक्सेट्रा. और हमने एनिमल राइट्स को भी डिस्कस किया कि एनिमल के क्या राइट्स हैं, और हमने देखा कि एनिमल्स को हमारी कंट्री में किस तरह से ट्रीट किया जाता है, किस तरह से एनिमल्स को बर्ड लाइज किया जाता है. हमने डंकी की एग्जाम्पल देखी थी कि डंकी को किस तरह से ओवरलोड किया जाता है, उसको प्रॉपर फूड भी नहीं दिया जाता और ब्रूटली ट्रीट किया जाता है. Okay, let's begin. Animals as entertainment. Have you seen how Bhalu, the dancing deer and monkey are made to dance and please the children? क्या आपने कभी देखा है, नोटिस किया कि किस तरह से भालू, डियर और मंकी डांस करते हैं, बच्चों को खुश करते हैं. प्लीज का मतलब क्या होता है, खुश करना. Hey, you can see that it's an image of the deer and the monkey dancing and pleasing the children. Okay. A ring is passed through the nose or a rope is tied around your neck which is very painful. Monkey, donkey से जो डांस करवाने के लिए क्या किया जाता है, इनको इनके नाक में एक रिंग बांधा जाता है, एक रिंग पास किया जाता है ना नोज से, और इनके गर्दन के अराउंड एक रस्सी बांधी जाती है. एवरी टाइम दे ऑनर्स वॉन्ट देम टू परफॉर्म दे पुल द रोप क्यूअली. जब इनके एनिमल्स चाहते हैं कि वो परफॉर्म करें, डांस करें, बच्चों को खुश करें, तो वो इनकी रस्सी को बहुत सख्ती से खींचते हैं, जिसकी वजह से एनिमल्स को बहुत पेन होती है और एनिमल्स डांस स्टार्ट कर देते हैं. दिस रिंग हर्ट्स एनिमल्स एंड सो दे डांस. हाउ सैड. एनिमल्स के अराउंड एक नेक के अराउंड एक रस्सी बांधती थी, इनके नाक से एक रिंग पास किया जाता है. जब भी इनके मालिक, इनके ऑनर्स चाहते हैं कि वो परफॉर्म करें, डांस करें, बच्चों को खुश करें, तो वो क्या करते हैं, उनकी गर्दन के इधर जो रस्सी बांधी थी उसको खींचते हैं, जिससे एनिमल्स डांस करना शुरू कर देते हैं और ये एनिमल्स को बहुत ज़्यादा हर्ट भी करते हैं. सम पीपल यूज एनिमल्स फॉर फाइट्स लाइक बुल फाइट्स, कुक फाइट्स एक्सेट्रा. आपने देखा होगा कुछ एनिमल्स के, कुछ लोग क्या करते हैं, एनिमल्स को लड़वाते हैं, जस्ट लाइक फाइटिंग करवाते हैं. बुल फाइट देख रहे हैं आप, देखें मुर्गियों की लड़ाई करवाना, इससे क्या होता है, एनिमल्स को बहुत ज़्यादा हर्ट भी हो सकते हैं, इंजर्ड हो सकते हैं और किसी डेथ भी वाक्य हो सकती है. This is very cruel as animals can be badly injured and may die. So हमें चाहिए कि इस तरह से मत करवाएं, एनिमल्स को मत लड़वाएं, ये एनिमल्स को जख्मी भी कर सकते हैं और उनके मरने का बाइस भी बन सकते हैं. क्लियर. ऑल एनिमल्स जस्ट वॉन्ट टू बी लव. तमाम एनिमल्स क्या चाहते हैं कि उनको प्यार किया जाए, उनको उनको अच्छे से ट्रीट किया जाए, उनकी केयर की जाए. कंसिडर दैट एनिमल्स लाइक अस हैव वन लाइफ. इट इज़ देयर लाइफ, देयर ओनली लाइफ. कंसिडर करें कि एनिमल्स भी बिल्कुल हमारी तरह, उनकी भी एक ही जिंदगी है, एक एंड एज इम्पॉर्टेंट टू देम एज देयर ओन लाइफ स्किल्स. और उनकी ज़िंदगी उनके लिए इतनी अहम है जितनी हमारे लिए हमारी जिंदगी. क्लियर. ओके. एनिमल्स एज पेट्स. एनिमल्स पेट, पेट एनिमल्स हम लोग घर में बहुत से लोग रखते हैं ना. हाउस होल्ड पेट्स हैव अ बेटर लाइफ देन स्ट्रे एनिमल्स. स्ट्रे एनिमल्स कौन से होते हैं, जो स्पेसिफिक वर्ड यूज़ किए, जैसे आवारा जानवर कहते हैं, जो बाहर रोड्स वगैरह पे फिरते हैं, गलियों में, जिनके एक प्रॉपर कोई जगह नहीं होती, वांडर हियर एंड देयर. वो कह रहे हैं कि जो पेट एनिमल्स होते हैं, जो घर में हम पालते हैं, उनकी लाइफ बेटर है उन जानवरों से जो कि गलियों में फिरते हैं, जिनको हम आवारा जानवर भी कहते हैं. दे आर गिवन अ कम्फर्टेबल प्लेस टू स्लीप. पेट एनिमल्स को घर में जो रहते हैं उनको एक कम्फर्टेबल जगह दी जाती है कि वो सो सकें. टेस्टी लेफ्ट ओवर्स टू ईट. लेफ्ट ओवर्स क्या होता है, जो हमारा खाना बचा होता है हम उनको देते हैं, चाहे कोई बिरयानी हो, लेग पीसेज हो, या कुछ इस तरह की चीज़ हम लोग डाल देते हैं ना अपने एनिमल्स को, डॉग्स को या हमारे कैट्स वगैरह को भी डाल दी जाती हैं. अलाउड टू रन फ्री इन द गार्डन. वो घर के बागों में दौड़ सकते हैं, खेल सकते हैं. एंड आर टेकन टू द डॉक्टर व्हेन दे आर सिक. और जब वो जानवर बीमार पड़ जाते हैं तो उनको हम लोग डॉक्टर पे भी लेके जाते हैं, वेटनरी डॉक्टर्स जो कि जानवरों के डॉक्टर्स होते हैं. क्लियर. इनका मेनली कहना है कि जो हाउस होल्ड पेट्स होते हैं उनकी लाइफ बेटर है उन आवारा जानवरों से. क्यों, किस तरह से बेटर है, क्योंकि
उन पेट एनिमल्स को कंफर्टेबल जगह दी जाती है कि वो सो सकें। हमारा अच्छा जो टेस्टी खाना बचा होता है हम वो भी उनको डाल देते हैं। वो घर के बागों में हम उनको सैर करवाते हैं, वो भाग दौड़ कर सकते हैं, जिससे फ्रेश हो सकते हैं, ना कि हम उनको बाउंड कर देते हैं केजेस में। और उनको डॉक्टर भी ले जाया जाता है जब वो बीमार फील करते हैं, वेटनरी डॉक्टर से। आप देख सकते हैं किस तरह से ट्रीट किया जाता है, बच्चे हमारे किस तरह से एनिमल्स का ट्रीट करते हैं पेट एनिमल्स के साथ। However, we must not take very young puppies, kittens and chicks far away from their mothers. लेकिन हमें चाहिए कि हम जो यंग पपीज़ के होते हैं, डॉग्स के जो बेबीज़ होते हैं उनको पपीज़ कहा जाता है, किटन्स कैट के बेबीज़ को किटन्स कहा जाता है, एंड चिक्स चूज़ों को। हमें चाहिए कि उनको अपने मदर से दूर ना करें, क्योंकि उनको भी अपनी मदर की ज़रूरत होती है जिस तरह हम इंसानों को। दिस इज़ वेरी रॉन्ग, दे नीड मदर्स टू। सो अगर हमें चाहिए अवल तो इतने छोटे मतलब किटन्स को या पपीज़ को ना उनकी मदर से अलग करें, क्योंकि उस टाइम में उनको अपनी मदर की स्पेशल ज़रूरत होती है, ठीक है। अगर हम उन पपीज़ को किटन्स को रखना चाह रहे हैं अपने पास, तो हमें चाहिए कि उनकी मदर्स को भी साथ रखें, ताकि वो बच्चों को मतलब उनके बेबीज़ को अपनी माँ के साथ रह सकें। ओके, डू यू नो दैट देयर आर लॉज टू प्रिवेंट क्रुएल्टी टू एनिमल्स एंड देयर आर ऑर्गेनाइजेशन दैट हेल्प यू लुक आफ्टर एनिमल्स। क्या आप जानते हैं कि कोई ऐसे लॉज क्या होते हैं, कानून प्रिवेंट करना बचाना, क्रुएल्टी जुल्म क्या होता है, लॉज का मीनिंग है कानून, प्रिवेंट बचाना, एंड क्रुएल्टी मीन जुल्म, जुल्म ज्यादती। क्या आप जानते हैं कि ऐसे कानून भी हैं जो एनिमल्स को जुल्म से बचा सकते हैं, और कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो हेल्प करती हैं एनिमल्स के लुक आफ्टर करने में, देखभाल करने में। कुछ एनिमल्स होते हैं जिनका कोई ठिकाना नहीं होता, कोई घर बाहर नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, वो गलियों में आवारा होकर फिरते हैं। तो बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस उनको अडॉप्ट कर लेती हैं, उनको बेहतर ट्रीट करती हैं, उनको फूड प्रोवाइड करती हैं एक्सेट्रा, उनको शेल्टर प्रोवाइड करती हैं, केयर प्रोवाइड करती हैं, बीमार होती हैं तो उनको मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती हैं। इनमें से एक ऑर्गेनाइजेशन है SPCA। इसके फुल फॉर्म क्या है, द सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स। इसका काम क्या है, एनिमल्स को, जिन एनिमल्स को जुल्म और ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है, ये उनको प्रिवेंट करते हैं, उनको बचाते हैं और उनको एक केयर प्रोवाइड करती हैं। और एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है PAWS, PAWS, इसके फुल फॉर्म है पाकिस्तान एनिमल वेलफेयर सोसाइटी। ये भी एनिमल्स की फ्लाव है के लिए, एनिमल्स की प्रोटेक्शन के लिए बहुत अहम रोल प्ले करती है। क्लियर है, यू कैन सी दैट दिस SPCA, इनका मोटो क्या है, लेट्स गिव देम अ बेटर लाइफ, एनिमल्स को एक बेटर लाइफ दीजिए। बहुत से एनिमल्स को मारा जाता है, स्लॉटर किया जाता है, किस पर्पज़ के लिए, कि हमें इनकी स्किन चाहिए होती है, हमें उससे हमें अपने कपड़े बनाने होते हैं, अपने स्वेटर्स जैकेट्स लेदर जैकेट्स वगैरह। सो हमें चाहिए कि इस तरह से ना किया जाए, क्योंकि उनकी भी ज़िंदगी है और वो उनके लिए उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जिस तरह से हमारी ज़िंदगी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। क्लियर, हमें चाहिए इस तरह इन चीज़ों का अवॉइड केयरिंग करें। पीपल पे ह्यूज अमाउंट ऑफ फर कोट्स, दिस इज़ टेरेबल। और बहुत से लोग बहुत ज़्यादा अमाउंट में पैसे देते हैं फर कोट्स को हासिल करने के लिए, जो कि बहुत बहुत गलत है, क्योंकि इस एक फर कोट के पीछे जानवरों की ज़िंदगी होती है। देखिए, हमें तो एक जैकेट स्वेटर वगैरह मिल गया, लेकिन इसके पीछे एक एनिमल की ज़िंदगी चली जाती है। तो हमें चाहिए कि इन चीज़ों को अवॉइड करें। आर रिलीजन टीचेस अस टू बी काइंड टू एनिमल्स एंड टू केयर फॉर देम। हमारा इस्लाम भी हमें यही सिखाता है कि हम एनिमल्स से काइंड हों, रहम दिली से पेश आए, उनका ख्याल रखें। यू कैन पुट आउट वाटर एंड ग्रेन, ग्रेन्स पर दाना डालना, हम एनिमल्स को पानी डालें, उनका ख्याल रखें, उनको दाना दें, उनको फूड दें। हमारा यू कैन फीड लेफ्ट ओवर स्विस ट्रे एनिमल्स, हमारा जो बचा बचा है खाना होता है वो हम आवारा जानवरों को भी डाल देते हैं जिनकी कोई प्रॉपर प्लेस नहीं होती। वन एनिमल्स आर ट्रीटेड वेल, दे ऑल्सो लव देयर ओनर्स लॉयली। जब एनिमल्स को अच्छे से हम ट्रीट करेंगे तो वो एनिमल्स अपने मालिकान से बहुत लॉयल होकर लॉयली ट्रीट करेंगे, लव करेंगे अपने मालिक से। यू मस्ट हैव हर्ड स्टोरीज ऑफ सच फेथफुल पेट्स, आपने ऐसे पेट्स की बहुत सी स्टोरीज भी सुनी होंगी जो कि अपने मालिक से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हमने डॉग के बारे में तो बहुत सारा, डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। अगर हम डॉग को बहुत ज़्यादा केयर करें, उसको अच्छे से ट्रीट करें, तो वो बहुत फेथफुल एनिमल है, बहुत लॉयली पेश आते हैं अपने मालिक से। ओके वेल स्टूडेंट, दैट्स ऑल अबाउट द रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लेसन।
Now comes to the question on this portion. In the previous class, we have done the question number 1 and 2 in copies. In this class, we will do the question number 3 and 4. Okay, first of all, what is question number 3? How can you help animals? हम animals की किस तरह से help कर सकते हैं? So, हम क्या कर सकते हैं? हम animals को food provide कर सकते हैं, उनको पानी दे सकते हैं, उनको shelter provide कर सकते हैं. हम इस तरह से animals की help कर सकते हैं ना? So, how you will write? We can help animals by giving them food, water, protection provide कर सकते हैं, heat से अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो हम उनको shade provide कर दें, बारिश है सर्दी है तब भी उनको प्रॉपर शेड प्रोवाइड करें कि कहीं से उनको हीट ना पड़े, कोई बारिश से बीमार ना हो जाए सर्दी से. तो हम इस तरह से एनिमल्स की हेल्प कर सकते हैं. क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज, डू यू हैव अ पेट? क्या आपके पास भी पेट एनिमल है? राइट अ फ्यू लाइंस अबाउट इट. ड्रॉ पिक्चर ऑफ अ पेट इन योर नोटबुक. ये क्वेश्चन जो बेसिकली आपने खुद से करना है, आपने सबसे पहले बताना है कि डू यू हैव अ पेट. सो आप क्या बताएंगे? यस आई हैव अ पेट. अगर आपके पास नहीं भी है तो जस्ट यू कैन इमेजिन कि आपके पास पेट है तो आपने उसके बारे में कुछ फ्यू लाइन लिखनी. कैट है, डॉग है, कुछ कोई भी एनिमल है, ठीक है? सो हम क्या लिखेंगे? यस आई हैव अ पेट. तो आपने उसके बारे में कुछ लाइन लिखनी, 4 to 5 लाइन्स आपने बतानी है कि आई हैव अ कैट, इट्स कलर इज दिस, आई लव माई कैट वेरी मच एक्सेट्रा. ये आपने खुद से बताना है. क्लियर? ड्रॉ पिक्चर ऑफ अ पेट इन योर नोटबुक. और आपने अपनी कॉपीज में पेट एनिमल की पिक्चर ड्रॉ करनी है जिसके बारे में आप लिख रहे हैं. अगर आपके पास एनिमल है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आपने ये छोड़ के नहीं जस्ट ये नहीं लिख देना कि नो आई डोंट हैव अ पेट. आपने इमेजिन करने और उसके बारे में लिखना. क्लियर? और पिक्चर भी ड्रॉ करनी. क्लियर स्टूडेंट्स? वेल स्टूडेंट्स, नाउ योर डायरी इज, यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन नंबर 3 and 4 ऑन योर कॉपीज, प्लस ऑल्सो यू हैव टू लर्न. वेल स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट today's lecture. See you in the next class. Till then, take care. Allah Hafiz.